नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाढ़ सहायता योजना, इसके अंतर्गत जो है 6000 रुपये की राशि मिलने वाली है हर परिवार को जो कि बाढ़ ग्रसित है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, जैसे कि किसी का गाय भैंस बकरी ऊँट फसल नष्ट हो गया, उस पर कितना कितना पैसा मिलता है, कौन कौन चीज़ पर, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हर वार्ड में जो है आपको वार्ड नंबर जो है आपका बैंक खाता आधार कार्ड ये सभी चीज़ जो है इकट्ठा कर रहे हैं और पंचायत भवन पे जो है इसका सत्यापन करवा रहे हैं। तो वो जो है इन सभी का डॉक्यूमेंट्स लेके जो भी ज़िला बाढ़ प्रभावित है, मैं लास्ट में आप लोगों को ज़िला का नाम भी बता दूंगा कि कौन कौन से ज़िला को इस बार दिया जाएगा, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को शुरू से लास्ट तक बताऊंगा। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कोई भी नज़दीकी CSC सेंटर वहाँ से जाके आप करवा सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि इसमें आपको बिहार प्रभावित परिवार को 6000 रुपये, 4 लाख रुपये जो है मौत होने पर परिजनों को मिलेगा, कपड़ा नुकसान होने पर 1800 रुपये, बर्तन अगर आपका दह गया तो उसमें 2000 रुपये, 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर फसल के लिए, 30000 प्रति गाय या भैंस की क्षति होने पर आपको मिलेगा, 25000 रुपये प्रति घोड़ा या घोड़ी की क्षति होने पर मिलेगा, 3000 रुपये प्रति भेड़ बकरी सुअर की क्षति होने पर मिलेगा, 95100 रुपया अगर आपका पक्का मकान या कच्चा मकान का नुकसान होता है तो, 50 प्रति मुर्गी नुकसान पर अधिकतम 5000 रुपये का देय होगा, 5200 रुपये पक्का मकान की आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर, 3200 रुपये कच्चा मकान की आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर, 2100 रुपये जानवर के शेड के नुकसान होने पर और 4100 रुपये झोपड़ी का पूर्ण नुकसान होने से जिसमें कि आप रह रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच जल्दी करे राहत राशि का वितरण। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जल्द ही जो है जो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर आपको राशि का वितरण किया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन का प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं कि जब आप इसके संपूर्ति वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से जो है वेबसाइट का देखने को मिलता है। इसका मेनली लॉगिन का प्रोसेस जो है आपका डॉक्यूमेंट्स लेके ये ब्लॉक के द्वारा या CSC सेंटर जहां होगा वहां से आप इसका करवा सकते हैं। तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है किस प्रकार से होता है, इसमें ये सारा चीज़ जितना भी है ये सारा चीज़ फिल करना पड़ता है कि कौन से योजना का लाभ ले रहे हैं, कौन से क्षेत्र में पढ़ते हैं, कौन से पंचायत में हैं, कौन सा वार्ड में है, लाभार्थी का नाम क्या है, पिता का नाम, पति का नाम, जन्मस्थल, बैंक का सारा डिटेल्स देना पड़ता है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, आधार संख्या क्या है। ये सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको जो है बहुत सारे चीज़ जो है PDF के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि यह खाता संख्या पहले से मौजूद है, कृपया सही खाता संख्या दर्ज करें। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको खाता संख्या जो है देने का कोई भी जरूरी नहीं पड़ेगा। फिर आप जैसे कि न्यू एंट्री पर जाएंगे, उसके बाद कौन सी योजना का है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका, क्या लाभार्थी ID है, वो सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद जो भी नुकसान हुआ है वो सारी जानकारी इसमें सही सही भरने के बाद में जो है आपको इस योजना का लाभ जो है DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में पहुँचाया जाएगा। आप लोग सारी चीज़ जो है वीडियो पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा कि क्या क्या कहां कहां भरना है, सभी चीज़ आपको इसमें मैं बताया हूं स्टेप बाय स्टेप। जब आपको सारा चीज़ भरा जाएगा उसके बाद इसका लास्ट में जो है स्लिप निकलेगा, वो स्लिप आप रख लेंगे और DBT के माध्यम से जो है आपको पैसा जो है खाते में चला जाएगा। जो भी लाभार्थी जो है ऑनलाइन आवेदन किए हैं उनका सारा का डिटेल्स आप जाके देख सकते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है, क्या कंडीशन है, कब तक उनको पैसा मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, वो सारा जानकारी जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपको इसमें एक लॉगिन ID और पासवर्ड का ज़रूरी पड़ता है जो कि आपको ब्लॉक से मिल जाता है, नहीं तो आपका जो भी वार्ड नंबर होगा वहीं पर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करें, वो जो है आपको सारा काम करवा देंगे। तो सभी किसान भाइयों से और मित्रगणों से अनुरोध है कि अपने वार्ड में जो भी आपका वार्ड नंबर है उनसे जल्दी से जल्दी जाके संपर्क बनाएं और इस योजना का जो है फ़ायदा उठाएं।
तो बिहार के बाढ़ प्रभावित 10 जिलों में हैं सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। यहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप जो है पाया गया। यहाँ लगभग 6.36 लाख से अधिक लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।